महाराष्ट्र के काटोल से पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष राव आर देशमुख ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र में इमरान प्रताप गढ़ी को लाने के कारण इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कांग्रेस के साथ काम करना जारी रखूंगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेता इमरान प्रताप गढ़ी को महाराष्ट्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर आपत्ति जताई और इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय बताया। आशीष देशमुख ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद से इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पत्र साझा किया। आशीष राव देशमुख ने लिखा कि बाहरी उम्मीदवार को थोपने से पार्टी को विकास के मामले में कोई फायदा नहीं होगा। यह महाराष्ट्र में सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। बता दें कि कांग्रेस ने पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष और कवि 34 वर्षीय इमरान प्रताप गढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। प्रताप गढ़ी ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा उम्मीदवार से हार गए थे। इस पर आशीष देशमुख ने तर्क दिया कि एक स्थानीय नेता को मैदान में उतारने से पार्टी को मजबूती मिलती, लेकिन नेतृत्व ने इसके बजाय दूसरे राज्य से राजनीतिक हल्केपन लाने का फैसला किया।